अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज सोचा यार कि वीडियो शूट करते हैं और एक ब्लॉग बनाकर अपलोड करते हैं, कि काफ़ी दिनों से मैं जो है वो ब्लॉग नहीं बना रहा था। क्या बस आज मूड हुआ तो बस स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको दिखाते हैं कि आज का मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। तो आज बारिश का प्रडिक्शन भी है और बच्चों की छुट्टी वगैरह भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो वेदर है वो कैसा हो रहा है, आप देखें और आप मुझे कमेंट से बताएं कि आपकी तरफ बारिश हो रही है और आप कौन कौन से इलाके से हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वेदर, देख सकते हैं आप वेदर जो है बहुत ही बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से बदल हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, हवा भी चल रही है। तो देखें शायद मैं भी आज जो है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, क्योंकि हाई अलर्ट कराची में जो है हाई अलर्ट जो है वो। यार मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ब्लॉगिंग मतलब जो वीडियोस नहीं आ रही थी उसकी वजह क्या है। देखिए असल मसला पता है क्या है कि वो तो टाइम का इशू है, टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, जब व्यूज़ नहीं आएंगे बंदे इतनी मेहनत करे और उसके बाद व्यूज़ नहीं आए तो फिर यार दिल नहीं करता बनाने का, क्योंकि यार मेहनत लगती है। ठीक है, पहले वीडियो शूट करो, पूरे दिन ये करता रहो, उसके बाद जैसे क्या करना होता है उसको एडिट कर अपलोड करना होता है, कॉपी राइट का इशू भी ना आए ये सब देखना पड़ता है। लेकिन यार जब इतनी मेहनत के बाद भी अगर इंसान के पास व्यूज़ नहीं आ रहे तो फिर दिल टूट जाता है और वीडियोज़ बनाने का दिल नहीं करता। यार देखिए पैसों का तो खैर पैदा ताल्लुक जो है वो एक अलग है, क्योंकि इंसान पैसों के लिए नहीं करता कुछ। ठीक है, मुझे बस शौक है तो मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक यार व्यूज़ तो आने चाहिए, क्योंकि अगर व्यूज़ आते हैं ना तो बंदे के पास इंटरेस्ट जो डेवलप होता है यार, हाँ मोटिवेट होता है बंदे, क्या व्यूज़ आ रहे हैं बंदा जो है ना फिर कर लेता है, बना लेता है, टाइम निकाल लेता है, मैनेज करता है। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आ रहे हो फिर मैं सोचूँ कि वीडियोज़ क्लिक करूँ और इसके बाद जो है वो अलग से टाइम निकालूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार मैं कुछ और ही काम कर लूँ, काम छोड़ें वो कर लेता हूँ कम्प्लीट हो जाएंगे वरना रह जाएगा वो, तो इसलिए फिर जो है ना फिर दिल नहीं करता। तो आई होप कि आज से भी सोचा है यार, सोचता तो रोज़ाना हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, सोचता तो हमेशा ही हूँ कि वीडियो क्लिक करूँगा, लेकिन दो तीन वीडियोस बनाता हूँ फिर वन वीक जो है रेगुलर चलता हूँ फिर जो है गायब हो जाता हूँ। आपके मैं कहता हूँ आपके पैसे नहीं जाएंगे, ठीक है, आप एक सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे ना आपके पैसे नहीं जाएंगे। देखिए होता है क्या है, आपके सब्सक्राइब और लाइक से बेनिफिट ये होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं ना वो मोटिवेट होते हैं, और अगर आप शेयर करते हैं तो उससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है, ताकि मतलब आपके शेयर करने से और ज़्यादा लोग देख सकें। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे और हम मोटिवेट होंगे। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर मैं तो वैसे रेंडमली वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, मुझे नहीं पता कि वीडियोस आपको पसंद आई हो या नहीं आई हो, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर पसंद आई हो तो आप शेयर कर दें, और ना भी पसंद आई हो तो आप मुझे सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि यार देखिए आपके एडवाइस से हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई भी सीखा सिखाया हुआ नहीं आता, ये तो आपको ही पता है। अगर आप सपोर्ट करने के लिए आप बता दें कि आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएं ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी, हम देखना चाहते हैं। देखिए मेरा मैं जो बना रहा हूँ मैं क्या बना रहा हूँ ये मुझे पता है, ठीक है, मैं पसंद कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद है वो आप सबको पसंद हो, क्योंकि यार हर की चॉइस चेंज होती है। तो अगर आप अपनी चॉइस बताएंगे तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो और मैं कोशिश करूँगा कि आप जो चाह रहे हैं उस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि देखिए जो चीज़ मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ ना तो उसका आउटपुट भी आए, उसका रिज़ल्ट भी आए ना, तो फिर मज़ा आता है। तो आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं मुझे, ठीक है, बिना कोई सोचे समझे आप जो कमेंट्स करना है करें मुझे। मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, इसके अलावा आप अपने नेबर्स का भी ज़रूर ख्याल रखें, ये ज़रूरी है जो कि हम करते नहीं हैं। तो यही कहूँगा यार, और आप सबकी बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आई होप कि ये इस वीडियोज़ के बाद कुछ सपोर्ट मिल जाएगी तो फिर जल्दी करेगा कुछ करने का, तो यही कहूँगा यार। और फिर आप सब दुआ करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी, कि अल्लाह ताला हर इंसान को कामयाब करे, जिसकी जो मंजिल है अल्लाह ताला उसको पहुँचाए, और इंसान की अच्छी सोच होगी तो वो कामयाब भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, मतलब हम कुछ गलत सोचें और हम सोचें यार हो जाए तो फिर ना हो, तो मैं कहता हूँ बेहतर है हम अच्छा सोचें अपने लिए। और यार मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, देखिए ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना तो एक बात याद रखें, जो आप अपने लिए सोचते हैं ना, जो खाना अपने लिए खाते हैं ना, जो चीज़ अपने लिए पहनते हैं,
अगर वो आपकी सोच ऐसी हो गई कि वो जो चीज़ अपने लिए कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी करें, जो मैं जो अच्छा, मैं अच्छा पहनता हूँ तो उसके लिए भी अच्छा, मैं अगर किसी को गिफ्ट करना है तो अच्छा दूँ, मैं अच्छा खाता हूँ तो मैं उसे भी अच्छा दूँ, ये नहीं कि मैं बिरयानी खा रहा हूँ उसे दाल चावल खिलाऊँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये वाली सोच आपकी हो गई ना, मैं कहता हूँ आप मुझसे लिखवा लें, आप साइन करवा लें, इंशाल्लाह उसको कामयाबी ऐसी मिलेगी ना कि उसके जहनो गुमान में नहीं होगा अल्लाह ताला ने उसको कहाँ से अता किया है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह तो चलती रहे, एडवाइस ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है एक एडवाइस से। तो आई थिंक आज बारिश का दिन भी है और मैंने सुना है कि बारिश के दिन दुआएं कबूल होती हैं। आप सब अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें और सब तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, और ख़ास खसूसी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें और इसराइल के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको नस्तो नाबूद कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका दोस्त एक्स शाम अली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।